यहाँ की फर्नीचर मार्केट देरा में ही अगर चीजें की सबसे पहली अजान जो मैं सुना था मेरा नाम मरवान है, अब मैं फिलहाल दुबई के ट्रिप में हूँ। तो मुझे पिकअप करने के लिए हमारे भाई जो हैं यजमान कई भाई आ चुके, शादाब भाई आ चुके और साथ में ताविश भाई भी आ चुके। हम सारे मिलके सबसे पहले फ्रेश अप होने के लिए कॉफ़ी पीने चले गए। बेहतरीन कैफ़े थी जो केरला वालों की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। पे आधी रात हो गई तो हम ताबिश भाई के रूम पर जाके सो गए और उठते ही जोहर की अजान सुनी, बहुत प्यारी थी जैसे कि आप सुन सकते हैं। के बाद हम ऐसी जगह रुके थे जो दुनिया मतलब समझो आप एक समंदर है, आईफोन वर्ल्ड है। आईफोन नहीं बल्कि सारे सैमसंग से लेकर जो भी चाइना प्रोडक्ट्स, जापान के हो, यूएस के हो, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी लोग होते हैं बाहर कंट्रीज के इसी मार्केट से खरीदते हैं। अब फिर वक्त बंद है, यहाँ पे मार्केट शुरू होती है शाम से। गाइस हम ये मस्जिद आयशा है जो देरा में है। तो गाइस इतनी बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद है, इंशाल्लाह अंदर का भी मंजर आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह वहाँ सारे नमाजें हम लोग अदा कर लिए, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की। और यहाँ पे लोग ज़्यादातर असर के बाद निकलते हैं क्योंकि बहुत गर्मी रहती है। और यहाँ पे मगरिब के बाद भीड़ देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारा मजमा जुड़ता है, चाहे वो जुमे के जैसे, इंडिया में तो जुमे के जैसा मजमा जुड़ता है हर नमाज में। ये माहौल बहुत पसंद आया मुझे और यहाँ के लोगों को भी बहुत पसंद आया, कैफ भाई को भी पसंद आया। और यहाँ के मसाजिद इतने खूबसूरत, इतने प्यारे हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही तरक्की रखे हमारे सारे मसाजिद को और आबाद भी रखे। और हम चलते हुए निकल चले डेरा के। और ये सारा मार्केट है डेरा में जो हर तरह की फर्नीचर मौजूद है, चाहे वो यहाँ पे सारे लोग पाकिस्तानी थे और बहुत कम थे इंडियन। और कई भाई आपको कुछ सुनाएंगे। तो गाइस ये यहाँ की फर्नीचर मार्केट देरा में ही, अगर चीजें पसंद आ गई तो यजमान बैंगलोर कैसे लेके जाएगा और हम लखनऊ कैसे ले जाएंगे? यजमान पानी वाले जहाज से लेके जाएंगे हम लोग क्या? इंशाल्लाह। चलिए फिर खत्म करते हैं इस व्लॉग को, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, बड़ा या शॉर्ट जो भी है। शॉर्ट तो डेली 10 बजे सुबह आ रहा है याद रखो, और ये शाम को 6 बजे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।